वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेंसन पॉलीमर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जिनसे हमारे ग्लू हैं जो कारपेंटर भाइयों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। 3-4 किस्म के इसमें ग्लू हैं, ये देखिए, और मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा ये किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और दोस्तों इस जो हमने वीडियो का टारगेट रखा है 5000 लाइक का रखा है, वो आपने ज़रूर करने हैं। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये हमारे पास 4 किस्म के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ये पॉलीवुड है जिनसे मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसके साथ एच बेंडिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं, जैसे मैका वगैरह, पीवीसी शीट वगैरह, तो काफ़ी मल्टीपर्पज़ ग्लू है ये। तो दोस्तों हम जब इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम जैसे और ग्लू हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 2 जगह लगाना पड़ता है, शीट पर भी लगाना पड़ता है और अपने वुड पर भी लगाना पड़ता है। ये एक ही तरफ करता है और इसके अंदर बबल वगैरह भी नहीं बनते। ये मैं पूरा आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा और ये किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये आपने वीडियो में पूरा बने रहना। और दोस्तों दूसरा हमारे पास ये है पॉलीफिक्स का, ये है वुड सील है। जैसे हमारी कोई लकड़ फट जाती है या गड्ढा वगैरह हो जाता है, जैसे गांठ वगैरह निकल जाती है, तो उस जगह हम इसकी सील वगैरह कर सकते हैं। जैसे हम ग्लू वगैरह लगाते हैं वो 1-2 दिन तक यानी कि गीला रहता है, नीचे बैठ जाए, इसमें क्या तुरंत आपका जब भी 1 मिनट में स्टार्ट काम हो जाएगा। और दोस्तों ये है पॉलीफिक्स का, ये स्प्रे एक्टिवेटर है, तो ये भी और ये वाला पॉलीफिक्स का, ये है पीवीसी ग्लू है। ये दोनों चीज़ें साथ में मिलके काम करती है या अकेली भी करती है, अगर दोनों अगर साथ में मिलके काम करोगे तो इसका रिजल्ट है 6-7 सेकंड में इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों पॉलीफिक्स की हम वुड सील इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारी कोई लकड़ वगैरह फट जाती है, देखो जो है फट गई है, जैसे गांठ वगैरह निकल जाती है, तो उसके अंदर भरने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने ये दे रखी है, एक हमें इसके साथ ये पतली सी ट्यूब सी मिलती है जिसके जरिए हम आगे लगाएंगे इसको, और ये मिलता है और एक कैप मिलती है आगे लगाने की, और सुई वगैरह तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों हम कैसे लगाएंगे ये देखिए, इसके अंदर बुरादा भरेंगे, पहले क्या करेंगे हम इसको लगाएंगे। दोस्तों इसके साथ हमारी पतली ट्यूब आती है, काट के हमने ऊपर लगा लेनी है, और यहाँ जहाँ से हमारा फटा हुआ हमने अच्छी तरीके से इसको अंदर से लगा देना है कि हमारा बुरादा पकड़ लेगा। ये देखिए बुरादा मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये फिलिंग कर देंगे अच्छी तरीके से यहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। और दोस्तों पकड़ बड़ी अच्छी हो जाएगी इसकी, और थोड़ा सा बचा के आँख से बचा के करना आपने, कोई गॉगल्स वगैरह लगा लेना आपने आँख के पर। बुरादे को अच्छी तरीके से फिलिंग कर देनी है आपने ना। दोस्तों एक तो काम बड़ी जल्दी होता है, बाकी और कोई भी हम कॉल वगैरह लगाते हैं ना वो सूख के अंदर चले जाता है, ये आपका तुरंत सूख जाएगा, और जब भी आप रंदा वगैरह लगाते हो जब भी आपका पीस तैयार। और फिनिशिंग ऐसी है, कभी ये नहीं क्रैकपन आएगा, जैसे पेंटर वगैरह पॉलिश वगैरह कर देते हैं, हाई ग्लोस वगैरह करते हैं, ये आपका फटेगा नहीं फिर। ये मैंने फालतू का निकाल दिया इसके ऊपर से, और ये देखिए फिर इसके ऊपर एक बार क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे ऐसे कर देंगे। ये है ही दोस्तों फीलिंग के लिए। दोस्तों एक बार ना मेरे कहे से एक बार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके देखना प्लीज़, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप इस्तेमाल करके देखना। दोस्तों ये तो हमारा हाथ के हाथ सूख गया, इसके ऊपर क्या करेंगे हम प्लेनर मार देंगे, तो इसका एक तो ज्वाइंट भी बड़ा मजबूत हो जाएगा, लकड़ में पावर पहले जैसी आ जाएगी जैसे पहले होता। ये देखिए दोस्तों ये पहले हिल रही थी, ऐसे हिलना इसका बंद हो गया। सबसे बड़ी बात है इसकी जो सी फीलिंग है ये जो सी बैठेगी नहीं, कभी भी पेंटर वगैरह पेंट वगैरह कर देगा, नहीं तो क्या होता दरार ना क्रैकपन दे देगी, ये आपको क्रैकपन नहीं देगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसी चलेगी जब तक वुड है। आ गया होगा, अब हम बात करेंगे पॉलीफिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पॉलीफिक्स का, ये पीवीसी जेल है और ये पॉलीफिक्स का ये एक्टिवेटर है स्प्रे वाला, तो हम इसको आपके सामने मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों इन्होंने पटाखे वाली पन्नी दे रखी है काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये ग्लास की है ये बोतल, तो हम इसको साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों जो सी ये वाली है, ये मेरे पास ये छोटी बोतल है, ये बड़ी बोतल है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक जैसी हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, इस वीडियो को बड़ी अच्छी तरीके से देखना। हम लोगों ने क्या करते हैं, जैसे हम छोटे छोटे मॉडल वगैरह बनाते हैं, जैसे 4 mm की प्लाई है मेरे पास, MDF की है, हमने इसको जोड़ने के लिए क्या करें, हमें बड़े जुगाड़ करना पड़ता है,
हम कोई भी जैसे काम करते हैं बड़ा जुगाड़ करना पड़ता है इसके लिए भी, हम क्या ना तो इसके अंदर कील जा सकती है, इस काम के लिए जैसे मॉडल वगैरह, जैसे हमारे आर्किटेक्ट हैं, जैसे बच्चे मॉडल बनाते हैं तो उनके बहुत काम की चीज़ है, हमारे भी जैसे दराज वगैरह हम बनाते हैं, अभी हमें बहुत इमरजेंसी काम चाहिए भाई, कल हमने साइड पर आने, जैसे मेरी काम अपने साइड गुड़गांवा की तरफ चलती है तो छोटे काम के लिए फिर मुझे अगले दिन नेक्स्ट दिन कारपेंटर भेजना पड़ता है, उस काम के लिए इमरजेंसी के काम के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये 4 mm की प्लाई है, ये देखिए अब मैं इसको खोल रहा हूँ तो इसको कैसे अप्लाई करना हमने, ये देखिए एक जो सी धार है ये वाली, इसको ऐसे करके लगा लेना हमने अच्छी तरीके से। और दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा ये 7 सेकंड लेता है सूखने के लिए ना, ये वैसे भी काम करता था फिर ऐसे 10 मिनट लेगा, तो हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रे कर देनी है, ये हो गया हमारा, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर देनी है, ये देखिए जैसे हमें ये चिपकाना है, यहाँ हम स्प्रे कर देंगे और स्प्रे भी हल्की हल्की करनी है, इनके पूरा गीला कर देना है, ये देखिए ये कर दी। अब स्प्रे करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसे लगा देना है और ये ऐसे लगा देना हमने अच्छी तरीके से। दोस्तों और भी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे कैसे हम लगाते हैं, जैसे हम कोई कलम काटते हैं तो कलम में जब हम दोनों तरफ की कलम काटते हैं ना चोट मारते हैं, वो कभी कलम इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है, तो उसके लिए काफ़ी हमें दिक्कत आती है। ये देखिए हो गया, अब इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर देनी है, स्प्रे हमने दूर से करनी है, कम से कम 6 या 7 इंची की दूरी से करनी है हम लोगों ने, ये इसको अच्छी तरीके से ऐसे कर देना है, जितनी देर में आप करोगे उतनी देर में सेट हो जाएगा, ये हमने इधर भी मार देना, ठीक है दोस्तों। अभी हम अगर सफाई करनी है आप ऐसे कर सकते हो, देखिए एक मिनट में सूख गया, ये देखिए दोस्तों अब मैं इसको यहाँ से फेंकूँगा, ये देखिए यानी कि कितनी देर हुई है, ये इतनी देर में सूख गया, हालांकि 4 mm की है ये, और देखो इसमें पकड़ कितनी है, कोई भी ऐसे मॉडल वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, कोई भी हमने जैसे एच बेंडिंग की टेप वगैरह लगानी है उसके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है, जैसे कई भाई पूछते हैं बेडों में आजकल हम पत्तियाँ वगैरह लग रही हैं ये वाली, तो हमने इसको किस तरीके से लगाना है, इसको भी देखो इसी तरीके से करेंगे हम लोग, हमने क्या करना है इस तरीके से इसको करना है। दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है आपने, बीच में स्किप नहीं करना है, और वीडियो जिस टाइम चालू होगी आपने लाइक का बटन दबा देना, और जितने भी कारपेंटर भाई है आपने वीडियो शेयर जरूर करनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये मैंने कर लिया और इसके ऊपर क्या करेंगे, मैं स्प्रे कर लूँगा, थोड़ी सी मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ जहाँ पत्ती आएगी, और दोस्तों हम इसकी पावर भी चेक करेंगे कि कंपनी ने जैसे बोला ये उतनी पावर है, हम इसकी स्लैब फिट करेंगे फिर उसके ऊपर कोई चीज़ भारी चीज़ देखेंगे करके भी ये कामयाब हो रही है हमारी। और इसको लगाने से पहले इसको साफ़ कर लेना, कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ये देखो ये एक्टिवेटर है स्प्रे वाला मेरे पास, जिस तरीके से कर लेना हमने, ये करने के बाद ये हो गया हमारा, तो अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। और दोस्तों आजकल जो बेडों में बहुत ज़्यादा पत्ती चल रही है, कई भाई तो करते हैं फेविकोल से लगाते हैं, कभी कील मोड़ देते हैं, तो कील मोड़ने से क्या होता है फिनिशिंग नहीं आ पाती इसमें, क्योंकि कील के इधर इधर झारे पड़ जाते हैं फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो इससे फिनिशिंग जल्दी आती है तो काम बहुत जल्दी होता है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसमें स्प्रे कर देंगे, ये देखिए दोस्तों पक्की हो गई है दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर से टेप उतार देता हूँ एक बार। दोस्तों काफ़ी आप लोगों को भाई करते थे क्योंकि ये बेडों में जितने भी कोल्टिंग वाले बेड हैं इनमें बहुत लग रही है, ये देखिए कई भाई पूछते हैं ये मिलती कहाँ से, जैसे पंजाब वाले भाई पूछते हैं, ये कहीं भी आपको हार्डवेयर की दुकान पर या यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यानी कि अगर मैं उखाड़ना चाहूँ ये उखड़ेगी नहीं इसके साथ, ये देखिए इतनी पावर है और एकदम में एकदम फिक्स होगी पक्की होगी, बस आपने ख्याल ये रखना थोड़ी सी बाहर ना लगे, क्योंकि मैं तो आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ तो करके जल्दी में, इसलिए क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस स्लिप, ये देखिए स्लिप मेरे पास कितनी मोटी है, ये मैंने
15-15 mm की तीन प्लेइयाँ लगा रखी हैं। हम मैं इनको भी फिक्स करूँगा और बताऊँगा कितनी पावर जो सहन कर लेता है, हम इसका भी करेंगे। दोस्तों देखो जो से माइका लगाया था ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल 10 मिनट हुए होंगे, कोई मैंने टेप वगैरह नहीं लगाई और बैठ भी गया। अब हम इस स्लिप को हम फिट करेंगे। जैसे LCD पैनल वगैरह हम लोग डालते हैं, कभी इमरजेंसी में फाइनल हो गया उसके बाद मालिक बोल देता भी स्लैब डालो, तो दोस्तों इसी तरीके से स्लैब डालेंगे ना, हम इसके अंदर कील लगाएंगे, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ ये जेली लगाएंगे। ये देखिए और दोस्तों ये एक्टिवेटर स्प्रे वाला, ये हम करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे। ये देखिए इधर ही दोस्तों चिपका तो मैं इसको भी वहाँ पर सकता था, फिर मैं दीवार पर लगाता, आपने कहना भी पीछे आपने पता नहीं स्क्रू लगा दिए तो करके ये टूटा नहीं, तो इस पर ये मैंने 15 mm की प्लाई है, ये मैंने इसके ऊपर स्टे कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करना, हमने साफ़ कर लेना, डस्ट ना रहे, और यहाँ पर हम इसको स्प्रे कर लें। ये देखिए स्लैब मेरी है, अब मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। ये खुद में ही बड़ी भारी है, दोस्तों इसको दबा देना थोड़ी देर के लिए, और ये फिर हमने स्प्रे कर देनी है। देखिए और ये मैंने छोड़ भी दिया है दोस्तों, कम से कम स्लैब का ही मेरे ख्याल 2-2.5 किलो के करीब वजन होगा। अब ये पत्थर की हो चुकी है दोस्तों, अब हम इसको कंपनी का कैसे मानेंगे, प्रमाण भी ये कंपनी ठीक बोलती है कि नहीं, वजन सह सकता है नहीं, तो हम अपने देसी फार्मूलों से करेंगे। अभी हमने और भी परीक्षण करने हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 लकड़ों को स्कंजे में डाल के फिर उनका जॉइंट चेक करेंगे भी इसमें पावर है। ये तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों फिक्स हो चुकी है ये पूरी, ना पीछे से मैंने स्क्रू करे कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, ये केन में मैंने पानी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, हाँ मैंने इसलिए इसको कलर वाला कर दिया। ये 5 लीटर की कैन है, मैं इसके ऊपर रख दी, ये देखो बेशक 2 कैन भी रख सकते हैं हम इसके ऊपर, जितना मर्जी हम वजन डाल सकते हैं। ये देखिए और दोस्तों हिल नहीं रही है बिल्कुल भी, ये मैं लोहे का रंधा भी रख देता हूँ अपना, ये मैंने रख दिया, ये देखिए अब ये हिल नहीं रही, बिल्कुल भी हिल नहीं रही। अब मैं इसके ऊपर और भी रख देता हूँ, ये मैंने छोटे वाला रंधा इधर रख देते हैं पीछे, ये देखिए और क्या रखूं, और मेरे पास ऐसी कोई आइटम है नहीं जिनसी भारी सी मैं रख दूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से जैसे कंपनी बोलती है बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तो 100% मानता था, पर ये मुझे लगता है 100 से भी 10 कदम ऊपर है। यह बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मैंने इस्तेमाल करना। अब हम इसका और अभी करेंगे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो और हम इसका करेंगे, अभी टेस्ट इसके अपने तरीके बिल्कुल देसी तरीके से करेंगे, रफ टफ कंपनी के तरीके से नहीं, देसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी ऐसे बोतल भी आती है, डिब्बे में भी आता है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, हमने क्या करना है, इसको एक ही तरफ लगाना है इसके ऊपर, ना कि हमने दोनों तरफ लगाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर हमें मास्किंग टेप नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे आम पर क्या हमें मास्किंग टेप वगैरह लगानी पड़ जाती है ना, दाग पड़ जाते हैं, फिर वो कई बार मास्किंग टेप छूटती नहीं है, सबसे बेनिफिट इसका ये है। और दोस्तों चलो मैं इसको लगाना चालू करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से लगाया, और इसको कोई भी प्लाईवुड से जिसमें झारे पड़े हुए इस तरीके से हमने इसको अप्लाई कर देना है। और दोस्तों ये देखिए इसको थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर बबल नहीं बनेंगे, जैसे आम हमारे किसी कॉल में बबल वगैरह बन जाते हैं ना, इसके अंदर बबल नहीं बनेंगे। और जो हीट वगैरह में जैसे टेम्परेचर कहीं ज़्यादा हो तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, जैसे हम किचन वगैरह के डोर में लगाते हैं या बाहर फ्रंट का डोर है भाई, वहाँ क्या नाम धूप पड़ती है भाई, जैसे अपना फूल जाता है सनमाइका, इसमें ये चीज़ नहीं होगी। और जैसे हम सीलिंग वगैरह पर माइका वगैरह लगाते हैं तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक जगह तो हम नीचे लगा लेते तो ऊपर सीलिंग में ऐसे नहीं लगाया जाता, तो आपने क्या करना, जैसे सीलिंग वगैरह में माइके के डिज़ाइन वगैरह या प्लाई में लगाते हैं तो हमने नीचे एक ही तरफ लगा लेना, ऊपर बड़ी आसानी से लग जाएगा। ये देखिए लग गया ऐसे। और दोस्तों जौन सी इसकी खपत है ना, जैसे हमारा एक अपना 8x4 की शीट होती है, 32 फुट के करीब उसका एरिया होता है, तो हमारा क्या होता है उसके 800 ग्राम के करीब लगता है,
ये हमारा फेविकोल 800 ग्राम के करीब लगता है, और जो सा पॉलीवुड है और ये हमारा लगेगा सिर्फ 400 ग्राम के करीब लगेगा, यानी कि आधी खपत है इसके अंदर और टाइम की भी पूरी बचत है, और टाइम की भी पूरी बचत है। तो इसका जो सा सूखने का टाइम है, जो सा इसको ये अपना टाइमिंग लेता है, जैसे सर्दियों का टाइम है तो 24 घंटे लेगा, अगर टेम्परेचर आपका 42-45 के करीब है तो मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 5-6 घंटे में आपका जो सूख जाएगा, 8-10 घंटे में सूख जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको लगा देना। ये देखिए इसमें मुझे कोई वो टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर कोई मैंने टेप नहीं लगाई, और बाकी मैं सरमैका जी इसको रेती के साथ झाड़ दूंगा। ये देखिए अब तो गर्मी का टाइम है, कम से कम टेम्परेचर है 35-36 डिग्री के करीब है, तो मैं उल्टा कर दूँ। दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने आपको बता दिया तरीका कैसे लगाने का। ये देखो ये मैंने लगा रखे हैं इसके ऊपर, इसको कम से कम हो गए मुझे 5-6 घंटे हो गए, ये सूख गया। ये देखो ये मैंने पहले लगा के रख दिया था, ये सूख गया मेरा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको दूसरा एक दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक बार हम इसकी मजबूती और परखेंगे, क्योंकि हाथ से हथौड़ियों से स्लैब का भी मैंने दिखा दिया था। इसको क्या करेंगे, बांध के हम दोनों पीछे को शिकंजे के अंदर करेंगे, और पीछे में दो लकड़े रखेंगे, देखेंगे दबाव हम कितना डाल दिया और कितना खुलता है कि नहीं खुलता, जैसे कंपनी बोलती है ये जोड़ बड़ा मजबूत है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यहाँ पर लगाऊँगा। ये देखिए हम शॉट को एक ही बार लेंगे, यानी कि बीच में से काटेंगे। आप सोचो हमने कोई कील मार दी इसके अंदर, ऐसा काम नहीं होगा। ये थोड़ा सा खुश्क करना होता है, इसके बाद हम इसको लगा देंगे। ये हो गया, अब इसको हम दबा देंगे। ये दोनों पीस दबा दिए मैंने, अब इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना शिकंजे के अंदर बांधेंगे, देखेंगे ये कितना मजबूत हुआ है। सूख गया, बड़ी जल्दी जोर पकड़ता है। इसको मैं करूँगा एक यहाँ एक लक्कड़ लगा दूंगा और एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे, और आपने वीडियो में पूरा देखना है भाई, हमने जो बातें कही हैं सही भी हैं। ये देखो दोस्तों अब मैं इसको टाइट करूँगा, अब मैंने चालू कर दिया टाइट करना। ये देखिए दोस्तों दबाव इतना डाल दिया, ये लकड़ देखो कितनी दब गई है, ये वाली भी देखो कितनी दब गई, पर ये हिला नहीं। एक बार मैं नीचे मारता हूँ जोर से, ये देखो मैं जोर से मारूँ नीचे, ये मारा। दोस्तों एकदम परफेक्ट जोड़ है, यानी कि हर एक तरीके से मैंने इसको करके देख लिया। मैं फेल हो गया पर ये जोड़ फेल नहीं हुआ। तो आप भी इसको परचेज कीजिए, देखिए कैसा है, फिर मुझे बताइए कमेंट में आपको ठीक लगा कि नहीं लगा। बस वीडियो यहीं तक थी, धन्यवाद। दोस्तों जी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और मेरे कहने से एक बार आप प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करके देखना, कारपेंटर भाई 100 से भी ज़्यादा ही ये बेहतर निकलेगा आपके लिए।